ये वीडियो साथियों, अभी झारखंड हैं और झारखंड में भी घाटशिला के नज़दीक मूसाबनी पड़ता है, वहाँ हम हैं। और जिसकी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि भारतीय दर्शन एक अलग दर्शन है और पाश्चात्य दर्शन एक अलग दर्शन है, लेकिन सिर्फ बोलने में, सिर्फ बातों में और सिर्फ किताबों में पढ़ने से बहुत कुछ ज़्यादा हमें समझ नहीं आता कि जो हमारी सभ्यता थी, भारतीय दर्शन था या है, अभी जो जितना कुछ भी बचा खुचा है, उसमें बातें वेस्टर्नाइजेशन से किस प्रकार से भिन्न हैं। जो जो प्राकृतिक समावेश था भारतीय दर्शन में, और वेस्टर्नाइजेशन में किस तरीके से प्रकृति का दोहन और शोषण होता है, और एक स्वस्थ समाज की कल्पना भी की जाती है। ये तो पूरा प्राकृतिक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, बाकी चलते चलते जो कुछ भी दिखता रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। बेहतरीन जो है ये गुफा टाइप यहाँ बना हुआ है और बेहतरीन है पूरा, और पेड़ को बहुत बेहतरीन तरीके से लताओं ने जकड़ लिया है और अंदर एक गुफा बन गई, नेचुरल घर एक बन गया है। ये आपको बहुत, पूरे भारत में अगर आप घूमेंगे तो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद भारतीयता की जो हम बात कर रहे थे, उसमें जो एक ग्राम स्वराज की बात थी, स्वावलंबन की बात थी, स्वाभिमान की एक बात थी, नैतिकता की बात थी, शिष्टाचार की बात थी, इन सारी बातों को लेकर के हम आपको वो एक व्यवस्था दिखाना चाहते हैं जिससे आप कंपैरिजन कर पाएँ कि भारतीयता में और वेस्टर्नाइजेशन में किस प्रकार के कौन कौन से अंतर हैं, और कौन सा दर्शन, कौन सी सभ्यता हमारे लिए बेहतरीन है। ये आपको आज सब कुछ देखने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद निर्णय करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं, गांव में चलते हैं। पहले आपको भारतीय दर्शन करवाते हैं, भारतीय सभ्यता के दर्शन करवाते हैं, और उसके बाद फिर वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न तरीका है, वो आपको दिखा दें। चलिए। यहाँ से ये गांव शुरू हो जाता है, और ये भवन का निर्माण किस तरीके से था और कितनी बेहतरीन पेंटिंग यहाँ पे की गई है, ये आपको एक मिनट दिखा देते हैं। यहाँ पे अभी तो टीन की छत डाली गई है, लेकिन कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था या ऐसा कुछ नहीं है जो प्रकृति प्रदत्त ना हो, जो बहुत जल्दी प्रकृति में डिकम्पोज होने वाला ना हो, जैसा कि आज के समय वेस्टर्नाइजेशन में होता है। और ये पूरा रास्ता है, पगडंडी की तरीके से गांव में अंदर जाना पड़ता है, पगडंडियां हैं। गाड़ी तो नहीं जाएगी, बाइक ही सब जाएगी यहाँ से। और ऐसा पास में आप घर भी देख पा रहे होंगे झाड़ियों के बीच से। बहुत, जैसे बोलते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया तो यहाँ है। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं है। कहा जाता है कि भारत को अगर आपको समझना है तो आपको गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत गांव में बसता है, शहरों में नहीं।
यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्वावलंबन की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ रहती थी, आज के समय पे तो लोग साग सब्जी जो भी खाने का दैनिक उपयोग का सामान होता है वो बाहर से लेके आते हैं, लेकिन ये सब्जी के लिए बागीचा बागान छोड़ा गया था, मुर्गियाँ टहल रही हैं, जिस प्रकार से जो भी था। हाँ चलिए, ये गांव का एक घर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन है। गांव के लोग कुएं से पानी लेने जाते थे, लेकिन आज तो सभी घरों में आरओ लगा है, और आरओ का पानी कितना ख़राब है और कितना पानी की वेस्टेज होती है उसका भी आपको पता है। बाल्टियां भी हमारे यहाँ ये कहा जाता था, जो पानी निकालने का जो रहता था वो पात्र, वो भी तांबे का या पीतल का रहता था, जिससे पानी भी दूषित ना हो, स्वच्छ रहे। ये पीने के लिए ले जा रहे हैं आप? पीने के लिए? अच्छा, दोनों पीने का कहाँ से लेके आते हैं? अच्छा, आगे से, ठीक है। देखिए, ये पानी भी सिर्फ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बर्तन कपड़े, लेकिन पीने के लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है, जो और अलग स्वच्छता से है। यहाँ पे जो कला की बात रहती है वो कला यहाँ पे दर्शाई गई है, कितना खूबसूरत और बेहतरीन है। इसके लिए हम किसी पेंटर पे निर्भर नहीं करते। यहाँ पे पेड़ पक्षियों से लेके चींटी से लेके हाथी तक पूरी व्यवस्था थी। बोलो बोलो, अब यहाँ पे देख, चलो ये लगाओ, एक मिनट लगाओ। भारतीय समाज में आप देखेंगे कि मतलब चींटी से लेके हाथी तक समाज में सिर्फ भारत के मतलब जो मनुष्य होते थे सिर्फ वही नहीं होते थे कि सिर्फ मानव का ही एक समाज रहा है, अभी इससे अलग भी कुछ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पक्षियों के लिए इन्होंने कितनी अच्छे से व्यवस्था कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब यदि उनका वहाँ पे कबूतर जैसे पेड़ पे घोंसले नहीं बना सकते तो यहाँ पे छोटे छोटे घड़े टाइप के यहाँ पे लटका दिए गए हैं, ताकि वहाँ पे लोग देख सकें कि हाँ वहाँ पे आके वहाँ पे उसमें रह सकें, उनकी भी एक अलग व्यवस्था की गई है। तो हमारे समाज में चींटी से लेके हाथी तक का पूरा एक व्यवस्था था कि चींटी को भाई कण भर चाहिए तो उसको कण भर भोजन मिलता था, और हाथी को मन भर चाहिए मतलब 20 किलो 25 किलो चाहिए तो उसको 20-25 किलो का की व्यवस्था थी। हमारा समाज ऐसा था, हमारा समाज सुदृढ़ था हर एक चीज़ से, मतलब पेड़ से लेके पेड़ पक्षी जीव जंतु जितने भी होते थे सब उसमें सबका उसमें समागम होता था। ऐसा कोई नहीं था कि मतलब सिर्फ मनुष्यों का ही समाज रहा है। हमारे भारत की जो चेतना थी वो गाँव में थी। गाँव को कभी घूमेंगे आप, कभी देखेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में भारत क्या था। हटो, मनुष्य नहीं है। अरे हटो यार यहाँ से। गांव का ये पूरा नज़ारा है, और हल भी आपको दिखा दे रहे हैं और उसकी व्याख्या भी कर दे रहे हैं अभी। हमारे हमारी परंपरा में जिस चीज़ का जितने समय में उत्पादन होता था उसका हम उतना ही उपयोग करते थे। जैसे कि यहाँ पे हल में देख सकते हो, तो जैसे लोहे का जो बनने का प्रक्रिया है वो लगभग 100 साल में या 200 साल में होता था, तो उसमें क्या होता था कि हम लोहे का बहुत कम मात्रा में यूज करते थे। जैसे देखो, पूरा का पूरा जो हल है वो लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन लोहा जो है वो बहुत कम लगाया गया है ना। तो ये सब हमारे समाज की बहुत एक बड़ी अवधारणा रही है कि मतलब हर एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से किस तरीके से करना है, कहाँ कितना यूज करना है, कितना क्या करना है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अध्ययन करके हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तो गांव को भी देखोगे तो जो गांव के जो कच्चे मकान बने हुए हैं तो ये भी हमेशा चक्री क्रम में बनते थे। हर एक चीज़,
हर एक चीज़ को चक्री क्रम में बनाया जाता था। गांव की मिट्टी यूज करते थे, फिर बारिश आती थी, कट के फिर तालाब में जाती थी, तालाब से फिर खोद के ले आके इसका लेपन करते थे। इस तरीके से पूरा गांव का फिर से वो तालाब भी खुद जाता था और घर का घर भी सौंदर्य हो जाता था। यहाँ पे देखिए कच्चे मकान किस तरीके इतने अच्छे से सजाए गए हैं, इसमें तो पता ही नहीं लग रहा है कि भाई ये कुछ जैसे लग रहा है कि भाई पक्के मकान हो, लेकिन इसमें देखो गोबर से, सिर्फ गोबर और मिट्टी से लिपाई की गई है। इतना बेहतरीन तो हमें लगता है कि वो प्लास्टर से भी इतनी सुंदरता नहीं आ पाएगी, लेकिन यहाँ की कलाकृति, यहाँ की लेपन विधि इतनी बेहतरीन है कि कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए हम आगे और दिखाएंगे आपको अभी। और यहाँ पे ऊपर देखिए तो छत का ये मिट्टी के बनाए हुए हैं, अंदर सब बांस के लगे हुए हैं और गेट भी इतने अच्छे लगे हुए हैं। मतलब हमारे समाज में यह था कि मतलब किस चीज़ का कितना उपयोग करना है, इस चीज़ का हमारे भारत में भारतीय परंपरा में बहुत अच्छे से अध्ययन किया था और पूर्वजों ने बहुत अच्छे तरीके से देख रखा था। हर जगह पे देखिए पक्षियों के रहने का स्थान, पशुओं का रहने का स्थान, मनुष्यों का रहने का स्थान। मतलब ये नहीं था कि समाज में पशु अलग थे, पक्षी अलग थे या हमारी जो मानव जाति थी वो अलग थी, सबको एक साथ में रहने की एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें कि हर एक शांति तरीके से रहते थे। बहुत ही अच्छा तरीका था यहाँ पे। और गौरव भाई कुछ बोलेंगे? प्रकृति मानव और समाज के बीच जो एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार जो आपको भारतीय जीवन दर्शन जीवन शैली में देखने का एकदम अत्यंत एक जो उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबको यहाँ पे सबके बीच का एक सामंजस्य कैसे हो। और ये नहीं कि प्रकृति के विरुद्ध कोई विकास की परिकल्पना पे कभी भी आधारित अपनी व्यवस्था कभी नहीं बना पाए, प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति के साथ चल कर हमें कैसे विकास करना है उतना ही विकास करना है जितना प्रकृति को हम दोहन नहीं कर पाए। दोहन तो होता ही है, विकास में संभाविक एकदम होना होगा ही, लेकिन उतना ही दोहन होगा जितना हम उसको भर पाए फिर पुनः एक अपने जीवन काल में कर पाए, एक पेड़ पौधे को काट पाए फिर वो पुनः उग जाए, इस तरह का हमारा एक समावेशी विकास होता था। देखो यही होता है कि मतलब एक जो पश्चात संस्कृति हमारे घर में कहाँ तक घुस पड़ी है। यहाँ पे हर एक चीज़ प्रकृति के अनुसार अवेलेबल है, लेकिन बच्चों के हाथ में टूथब्रश वो भी याद दिख रहा है। तो ये पश्चात संस्कृति का समय कहाँ तक हुआ है हमारी संस्कृति में, हम अपनी संस्कृति सभ्यता और अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम अपना विकास कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से विकास कर रहे हैं और कहाँ तक विकास कर पा रहे हैं। चले बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, इन्होंने एक टाइम एंड स्पेस की थ्योरी भी बता दी जिस तरीके से लोहे का इस्तेमाल किया जाता था उसमें टाइम एंड स्पेस की थ्योरी आती है। और दूसरा समाज की इन्होंने परिभाषा बता दी कि समाज का मतलब सिर्फ मानव और मनुष्य नहीं होता, समाज के अंदर सब चेतन और अचेतन वस्तुएँ सब आ जाती हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे जिस तरीके से राहुल भाई ने बताया और गौरव भाई ने बताया। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं फिर। इतनी बेहतरीन व्यवस्था आपको भारत के गाँव में ही देखने को मिल सकती है कि आप ये महसूस करेंगे कि आप एक चेतन जगह पे रह रहे हैं, एक चेतन सत्ता के साथ आपका सीधा कनेक्शन है, सीधा वास्ता है। और घरों को बनाने के लिए ध्यान में कुछ बातों को रखा जाता था, जैसे कि घर हमारे ऐसे होने चाहिए जिनमें रहने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे। तो वो स्वास्थ्य कच्चे मकानों में बेहतरीन रहता है। और जैसे आज के घरों में हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोला जाता था कि पैर गर्म, पेट नरम और माथा ठंडा, ये स्वस्थ शरीर की निशानियाँ होती थी। तो ये संभव तो कच्चे मकानों में ही रहता था जहाँ पे फर्श मिट्टी के बनाए जाते थे, लेकिन आज फर्श जो मार्बल्स के बनाए जाते हैं उससे ठंडा रहता है, और अगर हम ज़मीन पर पैर रखते हैं तो वो भी पैर ठंडा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और सिर
हमारा एसी चलने के कारण, पंखा कूलर चलने के कारण ठंडा रहता है। तो इसमें बेहतरीन व्यवस्था हमारे यहाँ मिट्टी के घरों की मानी गई थी, जो मिट्टी के बने होते थे, और जो आज के घर हैं उनकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं मानी गई थी स्वास्थ्य के लिहाज से। दूसरा, कला का समावेश होता था, जो कला हमने अभी देखी, कला, क्योंकि कला ही हमें अध्यात्म की ओर लेके जाती है, तो इन दोनों का मिश्रण भी आपको भारतीय गांव में ही मिल सकता है, जहां कला है और वो कला आपको अध्यात्म की ओर लेकर के जाती है। और उसके बाद हमारा घर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आर्थिक रूप से हमें घर ज़्यादा परेशान ना करे, कि हमें उस पर ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। जो सारी चीज़ें रहती थी भारतीय घर बनाने में, वो हमें आसपास प्रकृति से मिल जाती थी, वो चाहे मिट्टी हो, बांस हो, लकड़ी हो, गोबर हो, पानी हो। लेकिन आज के घर अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको घर खाली खाली लगता है, फिर भी ये रहता है कि घर हमारा खाली है। और पांचवी बात जो होती थी वो सामाजिकता की होती थी, कि घर हमारे सामाजिक होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर किसी प्रकार से घर में कोई भी भेद है, किसी भी प्रकार का भेद है, वो चाहे डिज़ाइन का भेद हो, वो चाहे उसमें लगी वस्तुओं का, चीज़ों का भेद हो, तो वो भेद हमारे घर को असामाजिक बना देता था और एक मानसिक संतुलन हमारे दिमाग में पैदा होता था, जो कि समाज को विच्छिन्न कर देता था, अलग कर देता था, ख़राब कर देता था। तो ये पांच बातें तो मुख्य तरीके से हमारे गांव में जो घर बनते थे उसको ध्यान में रख के बनाई जाती थी। ये एक कुआं है, वो पीछे जो हमने दिखाया था आपको, पहले जो कुआं दिखाया था वो कपड़ा धोने के लिए या बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस कुएं का पानी सारा पीने के लिए उपयोग किया जाता है और इसकी इतनी साफ़ और स्वच्छ व्यवस्था रहती है। अगर आप पानी देखेंगे तो कोई भी वाटर प्योरीफायर कंपनी आपको इतना बेहतरीन पानी नहीं दे पाएगी जितना इस कुएं का है। और यहाँ पे गांव में एक व्यवस्था और है, ये पानी सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल रहता है, ये बातें सभी के जहन में रहती हैं, और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ये पानी ना तो नहाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसी प्रकार से भी, और न ही कपड़े धोने के लिए अन्य प्रयोग में, पीने को छोड़ करके सिर्फ पीने के इस्तेमाल में ही ये पानी लाया जाता है। तो कितना साफ और स्वच्छ है। चलिए आगे लेकर आपको चलते हैं, आगे दिखाते हैं, और बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये भी एक कुआं है, और ये सिर्फ स्त्रियों के प्रयोग के लिए होता है। स्त्रियों का अलग क्यों है और पुरुषों का अलग क्यों है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज में एक भेद समझा जाता था, तो इसके बारे में आपको राहुल भाई थोड़ा और बताएंगे तरीके से। हाँ चलिए आगे बताएंगे, जो मैं समझता हूँ वो मैं बता देता हूँ कि एक प्राइवेसी का जो मामला रहता है, स्त्रियाँ प्राइवेट तरीके से निजता का जो एक मामला रहता है, वो निजता स्त्रियों को हमारे समाज में दी गई है, कोई बंधन नहीं है और पूरी उनकी निजता का ख्याल रखा जाता है, जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनका पूरा एक एक तरीके से ख्याल रखा जाता है। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को ये एक अलग से कुआं बना के दिया है, और अपना जो भी वो कार्य करती हैं वो आराम से निजीकरण में, मतलब प्राइवेसी में कर सकती हैं। कुछ कुछ घर तो वेस्टर्न तरीके से बनने लगे हैं, वो सामने आप पक्के मकान भी देख पा रहे होंगे। ये उसके बगल में ही भारतीय व्यवस्था से, भारतीय तरीके से बना हुआ एक घर है, जिसे वास्तव में घर बोला जाता है, लेकिन आज अगर आप कोई घर बनाएंगे तो सब बोलते हैं मकान,
मकान और घर में भी डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया गया है, तो ये भी आप समझिए थोड़ा सा। अभी राहुल भाई बता रहे थे कि घरों में जो कंपोजिशन होता था मटेरियल का, वो 80% मिट्टी होती थी और 15% लकड़ी का इस्तेमाल उसमें किया जाता था, और करीब करीब 5% लोहा और अन्य चीज़ें, अन्य धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था, जो लंबे समय में प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये कंपोजिशन का भी ध्यान रखा जाता था, ताकि हम प्रकृति का अनुचित दोहन और शोषण न करें। लेकिन आज के समय क्या हो रहा है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना मर्जी लोहा ले आएँ, स्टील ले आएँ, कॉपर ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, पैसा अगर आपके पास है, लेकिन उस कंपोजिशन का ख्याल ध्यान नहीं रखा जाता। ये यहाँ थोड़ा पक्के मकान आ गए हैं, जो पक्की ईंटों से बने हैं, लेकिन आगे और चलते जाएंगे तो आपको और भी मिट्टी के घर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बाज़ार लगा है, जो कि भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता में नहीं होता था, क्योंकि सब कुछ सहयोग विनिमय से ही चलता था। लेकिन आज के समय पे आपको ये सब पैसे से ख़रीदना पड़ता है। पहले जिसको जितनी ज़रूरत रहती थी तो उतना सब आपस में सहयोग करके विनिमय कर लेते थे, लेकिन आज के समय पे हम अपनी ज़रूरतों की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन पहले आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ होता था, तो जिसकी जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती थी वो सबकी पूर्ण और पूरी हो जाती थी। लेकिन आज के समय पाश्चात्यकरण में हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं का तो कोई और छोर ही नहीं है, वो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। तो सहयोग विनिमय आपने जाना, लेकिन पहले बोलते हैं बहुत सारे लोग कि बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये शब्द एक गलत बताया गया हमें, हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशनिज्म होता था, सहयोग विनिमय होता था, लेकिन हमें किताबों में या और बहुत सारे लोगों से ये गलत बताया जाता है कि हमारे यहाँ वस्तु विनिमय होता था। यहाँ पे आप ये देखिए कि जो बाड़ बनाई गई है घर के बाहर से, उसमें भी ज़्यादातर बांस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ झारखंड में और इस इलाके में बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, बाड़ बनाने में, घर बनाने में, कोई बर्तन हुआ, कोई भी सामान रखने के लिए बड़े बर्तन हुए, अनाज डालने के लिए, तो बांस का बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने भी पहले जो बांस पर टैक्स लगाया था वो अभी टैक्स हटा लिया, क्योंकि बांस इन लोगों के लिए एक रोटी की तरह है, एक खाने की तरह है। जितना उपयोग और जितना आवश्यक और ज़रूरी उपयोग हमारे लिए खाना है
उतना ही जरूरी और आवश्यक उपयोग इनके लिए, यहाँ के लोगों के लिए बांस का है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख और समझ सकते हैं। बैलगाड़ी भी आप देख सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते थे, घोड़ा गाड़ी के अलावा बैलगाड़ी भी थी। अगर आपको कम दूरी तय करनी है, आसपास के सामान को ढोना है, कोई चीज़ को लेके आना है, अगर दूर जाना है तो घोड़ा गाड़ी थी। तो इसमें स्वावलंबन का एक आपको आभास होगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी वो लेते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल बहुत सारा मैकेनिज़्म खर्च होता है, बहुत सारी अलग तरीके से स्किल उपयोग होती है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास सहजता से उपलब्ध था वो ये था, वो ये आप इसको देख सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार का प्रकृति का दोहन भी, शोषण भी नहीं होता कि जिस प्रकार से अरब के देशों से भूमि से इतना तेल निकाला जाता है, और इसको खर्च करने के बाद, जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं इसमें प्रयोग होने के बाद, यहाँ पे प्रदूषण भी फैलता है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। चौकी सब बन जाएगी।